फिल्म शुरू होती है और एक ब्यूटीफुल से शहर हवाना को दिखाया जाता है। वहाँ रहने वाले लोग तो उससे भी प्यारे हैं। और फिर आंद्रेस को दिखाया जाता है जिसे म्यूजिक से बेहद प्यार है, लेकिन इन सबसे प्यारा भी कोई है जिसका नाम है वीवो, जो कि एक किंकाचू मंकी है। और वीवो इतना क्यूट है कि आपको उसे देखते ही उससे प्यार हो जाएगा। वीवो आंद्रेस का दोस्त है और वो और आंद्रेस मिलकर रोज शाम को हवाना के चौक पर अपना म्यूजिक शो दिखाते हैं। और उन दोनों की जोड़ी बहुत ही खास है। आज भी वो अपना शो दिखाने आए हैं और हवाना के लोग भी उन्हें बहुत प्यार करते हैं। आंद्रेस अपने सुरों से सबका दिल जीत लेता है और वीवो के तो क्या ही कहने, उसे सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाने आते हैं और उसके ठुमकों पे तो सारा हवाना ही झूम उठता है। वीवो शो करते हुए बताता है कि वो गलती से इस शहर में आ गया था और वो बिल्कुल अकेला था, जहाँ उसके पीछे खतरनाक कुत्ते पड़ गए थे, पर फिर आंद्रेस ने उसे बचाया और आंद्रेस उसे अपने घर ले गया। अब उनका शो खत्म हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों बिस्किट खाते हैं। पर तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और वो आंद्रेस को एक लेटर देता है। आंद्रेस उस लेटर को खोलता है। वो लेटर मार्ता का होता है, जिसमें वो आंद्रेस को अपने लास्ट शो में अपने साथ गाना गाने के लिए मायामी के मैम्बो कबाना बुलाती है। मार्ता आंद्रेस की बहुत पुरानी दोस्त है और वो दोनों साथ में गाने गाया करते थे। सभी लोग आंद्रेस के मुंह से मार्ता का नाम सुनकर उससे कहते हैं कि तुम्हें जरूर उसके पास जाना चाहिए, पर बेचारा वीवो वो ऐसा नहीं चाहता और वो सबको समझाने की कोशिश भी करता है कि हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, पर कोई भी उसकी बातों को नहीं समझ पाता क्योंकि आखिरकार था तो वो एक मंकी ही। फिर आंद्रेस और वीवो घर आ जाते हैं। आंद्रेस वीवो को मार्ता के बारे में बताता है और उसे अपनी और मार्ता की फोटो भी दिखाता है, जिसे देखकर हमारा भोला वीवो कहता है कि अच्छा, आप कभी जवान भी थे, मुझे तो लगा आप बचपन से ही बूढ़े हो। आंद्रेस कहता है कि मैं मार्ता से बहुत प्यार करता था, मैं उसे ये बात बताने ही वाला था, पर तभी मार्ता को मायामी के मैम्बो कबाना में गाने का ऑफर मिल गया। मार्ता बहुत खुश थी। मैं नहीं चाहता था कि वो मेरी वजह से रुक जाए और मैं उसे अपने दिल की बात कभी नहीं बता सका और मार्ता चली गई। फिर मैंने उसके जाने के गम में उसके लिए एक गाना लिखा। आंद्रेस वीवो से कहता है कि अब मैं उसे ये गाना सुनाऊंगा, हम दोनों मैम्बो कबाना जाएंगे। और आंद्रेस बैग पैक करने लगता है, पर वीवो नहीं चाहता कि वो दोनों मायामी जाए। वो बहुत उदास हो जाता है, पर आंद्रेस वीवो से कहता है कि मुझे ये गाना मार्ता तक पहुंचाना होगा ताकि उसे पता चल सके कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। पर वीवो आंद्रेस से गुस्सा होकर बाहर चला जाता है। वहाँ उसे याद आता है कि आंद्रेस ने कैसे उसे अपना प्यार दिया, जिससे उसे एहसास होता है कि अब उसे भी आंद्रेस को उसके प्यार के पास जाने से नहीं रोकना चाहिए। और प्यारा वीवो बैग पैक करने लगता है। सुबह वीवो आंद्रेस के पास आता है, पर आंद्रेस इस दुनिया से जा चुका होता है। तभी आंद्रेस का मार्ता के लिए लिखा हुआ गाना बाहर उड़ जाता है। वीवो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है और उसे पकड़ लेता है। अब रात को सब आंद्रेस को आखिरी अलविदा कह रहे होते हैं, जहां आंद्रेस की रिश्तेदार भी आई होती है, जिसकी बेटी का नाम गैब्रिएला होता है। गैबी वीवो के पास आती है और उससे बात करती है। वो उसे उसके साथ फ्लोरिडा चलने को कहती है, पर वीवो उसे इग्नोर कर देता है। वीवो आंद्रेस को आखिरी अलविदा कहता है और डिसाइड करता है कि अब वो मार्ता तक आंद्रेस का गाना पहुंचाएगा। फिर वो गैबी के साथ फ्लोरिडा जाने का सोचता है, पर गैबी की माँ गैबी को वीवो को साथ ले जाने से मना कर देती है। पर तभी वीवो उनके सामान के बीच छिप जाता है और उनके साथ फ्लोरिडा उनके घर पहुंच जाता है, जहाँ गैबी की मॉम गैबी को एक यूनिफॉर्म देती है और उसे कुकी बेचने जाने के लिए कहती है। पर गैबी को ये सब चीजें बोरिंग लगती है और उसे तो अपने दादू आंद्रेस की तरह गाना गाना पसंद है। वहीं वीवो बैग से बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर उसकी पूंछ बैग की जिप में फंस जाती है। वीवो बैग को हिलाने लगता है, जिसे गैबी देख लेती है। वीवो बैग को लुढ़काता हुआ गैबी के रूम में ले जाता है।
गैबी भी उसके पीछे वहाँ आ जाती है और उस बैग को खोल देती है। गैबी बैग में वीवो को देखकर बहुत खुश होती है, पर वीवो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन गैबी उसे पकड़ लेती है और फिर वो वीवो को अपना गाना सुनाती है। मैं नाचू अपनी बीट पर हर दम, मैं हूँ चाय बाकी सब पानी कम, मैं चाहूँ तो उखाड़ दूँ हैंडपम्प, पर घर पे ही खाऊँ मैं च्युइंगम। पर बेचारा वीवो गैबी का गाना सुनकर परेशान हो जाता है, क्योंकि गैबी के गाने के ना तो सुर थे और ना ही ताल थी। बड़ी मुश्किल से वीवो उससे बचकर घर से बाहर भाग जाता है। वहीं गैबी को मार्ता का लेटर मिल जाता है जो मार्ता ने आंद्रेस को भेजा था। वहाँ वीवो मायामी की बस में चढ़ जाता है, पर बस वाला उसे बस से बाहर भगा देता है। बेचारा वीवो बाहर उसके पीछे एक डॉग पड़ जाता है और लौट फिरकर वीवो गैबी के पास पहुंच जाता है, जहां गैबी उससे कहती है कि मुझे पता चल गया है कि तुम यहां क्यों आए हो। वीवो भी गैबी को आंद्रेस का लिखा गाना दिखाता है। गैबी उसे पढ़ने लगती है। अब गैबी डिसाइड करती है कि वो वीवो को मार्ता के शो में पहुंचाएगी। पहले तो गैबी अपनी मॉम से वहां जाने की रिक्वेस्ट करती है, पर उसकी मॉम मना कर देती है। फिर गैबी खुद ही वीवो के साथ साइकिल पर बैठकर निकल पड़ती है। रास्ते में उसे अपनी कुकी बेचने वाली पार्टनर दिख जाती है। गैबी उनसे बचने की बहुत कोशिश करती है, पर वो उसे देख लेती है। वहाँ गैबी उनसे बचने के लिए उन्हें वीवो से मिलवाती है, पर वो गैबी से कहती है कि क्या तुमने इसे वैक्सीन लगाई है, हमें उसका सर्टिफिकेट दिखाओ। ये सुनकर गैबी वहाँ से भाग जाती है, पर तभी उसकी मायामी जाने वाली बस छूट जाती है। गैबी बस का पीछा करती है, पर वो लड़कियाँ भी उसके पीछे पड़ जाती है, क्योंकि वो वीवो की देखभाल करना चाहती थी। वहीं गैबी और वीवो गलती से पूल से गिरकर एक सैंड से भरे जहाज में गिर जाते हैं। वो लड़कियाँ भी वोट लेकर उनका पीछा करने का डिसाइड करती है। अब गैबी और वीवो कुछ जुगाड़ लगाकर और उल्टी पुल्टी हरकतें कर अपनी मंजिल मायामी के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ गैबी की मॉम को पता चल जाता है कि गैबी मायामी के लिए निकल गई है और उसे उस पर बहुत गुस्सा आता है। वहीं गैबी और वीवो जंगल के रास्ते आगे बढ़ रहे होते हैं, साथ ही वो दोनों गाना भी गा रहे होते हैं। तभी जोरों की बारिश आ जाती है और वो दोनों अलग हो जाते हैं और आंद्रेस का गाना भी गैबी के पास चला जाता है। अब वीवो गैबी को हर जगह ढूंढने लगता है। तब उसे एक बर्ड मिलता है जिसका नाम डेनग्रीनो होता है। वीवो उससे हेल्प मांगता है, पर बेचारा वो तो खुद ही परेशान होता है, क्योंकि डेटिंग सीजन आ गया था पर उसे अभी तक कोई भी पार्टनर नहीं मिली थी। तब वीवो उसकी मदद करता है और उसके लिए एक पार्टनर ढूंढ निकालता है और वो अपनी पार्टनर के साथ वहाँ से उड़ जाता है। और इसी बीच माल्टा को दिखाया जाता है जो कि बेसब्री से आंद्रेस के आने का इंतजार कर रही होती है, क्योंकि वो आंद्रेस के इस दुनिया से चले जाने की खबर से अनजान थी। वहीं गैबी भी वीवो को ढूंढ रही होती है और वो उस गाने को भी खो देती है, पर तभी उसकी कुकी बेचने वाली पार्टनर वहां आ जाती है और वो गाना भी उनके पास होता है। वो गैबी से गाने के बदले वीवो को मांगती है, पर गैबी उन्हें बताती है कि उसने उसे खो दिया है। अब वो सब मिलकर वीवो को ढूंढने लगते हैं। वहीं वीवो बहुत परेशान होता है। तभी उसे एक छोटू सा कीड़ा मिलता है जो वीवो को चुप रहने को कहता है। वीवो गुस्से से उससे कहता है कि क्या तुमने मुझे चुप 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 रहने को कहा, और वो जोर से चिल्लाने लगता है, जिससे वहाँ एक बड़ा सा सांप आ जाता है जो कि वीवो को खाने लगता है। वीवो उससे बचकर भागता है, पर वो उसे पकड़ लेता है। तभी वीवो का बर्ड दोस्त उसे बचा लेता है और वो और उसकी पार्टनर वीवो की हेल्प करने का वादा करते हैं। वहाँ गैबी वीवो को ढूंढ रही होती है, पर तभी उनके पीछे वो सांप पड़ जाता है और वीवो वहाँ आकर उन्हें बचा लेता है और उस सांप को अपनी चालाकी से खूब मजा चुकाता है। गैबी वीवो को देखकर बहुत खुश होती है। वहीं गैबी की पार्टनर भी अब वीवो की हेल्प करने की बात करती है, पर गलती से वो गाना खो देती है और वो पानी में गिरकर खराब हो जाता है। वीवो उसे देखकर बहुत उदास होता है। वहीं माल्टा को पता चल जाता है कि आंद्रेस अब नहीं रहा। वीवो गैबी और वो लड़कियां उदास होकर घर लौटने लगती है। वीवो बहुत दुखी होता है। तभी गैबी उस गाने को गुनगुनाने लगती है, पर वीवो को उसका गाना अच्छा नहीं लगता।
वो गैबी को गाने की धुन सुनाता है और उससे कहता है कि तुम्हें गाना ठीक से गाना चाहिए। और तभी उन दोनों के दिमाग की बत्ती जलती है कि गैबी को गाने के बोल पता है और वीवो को धुन, मतलब गाना खोया नहीं है। और वो बोट को मयामी की तरफ घुमा देते हैं। फिर वो दोनों फिर से गाने को लिखने लगते हैं। वहीं गैबी की मॉम भी मयामी पहुंच जाती है और उसे ढूंढ रही होती है। गैबी और वीवो भी मयामी पहुंच जाते हैं। गैबी को उसकी मॉम देख लेती है। गैबी वहां से भागने लगती है। गैबी किसी तरह वीवो को माल्टा के पास पहुंचा देती है और उसे अपना बेस्ट फ्रेंड का बैंड भी देती है। वीवो माल्टा के पास आता है। माल्टा वीवो को पहचान लेती है क्योंकि उसने आंद्रेस की फोटो के साथ उसे देखा था। वीवो माल्टा को आंद्रेस का लिखा गाना दे देता है। माल्टा उसे देखकर इमोशनल हो जाती है और कहती है कि आई लव यू टू आंद्रेस, और वीवो को गले से लगा लेती है। वहाँ वो वीवो से कहती है कि आंद्रेस को तुम पे बहुत प्राउड फील होगा। वीवो भागता हुआ गैबी के पास जाता है और उसे गले से लगा लेता है। अब गैबी की मॉम भी उनसे नाराज नहीं होती क्योंकि गैबी ने उसे सब बता दिया था। वो उन्हें गले से लगा लेती है और उन्हें लेकर मार्टा के शो में पहुंच जाती है, जहां मार्टा आंद्रेस का लिखा गाना गाती है। मैम्बो गवाना ओ ओ, कल सुबह जा रही हो रोशन करने अपना नाम। मैं जाता साथ तुम्हारे पर मेरा क्या काम, तुम छुओगी आसमान को, मैं याद करूंगा रोज तुमको। है ये डर बेड़ी बन जाए ना, कहीं मेरा प्यार आड़े आ जाए ना। जी उठूंगा तुम्हारे साथ मैं जब गाओगी तुम ये गाना, मैम्बो कबाना ओ ओ। इसे सुनकर वीवो भी इमोशनल हो जाता है और उसे आंद्रेस नजर आता है। अब वीवो और गैबी को फिर से दिखाया जाता है। वो दोनों अब पक्के दोस्त बन गए हैं और अब वो दोनों फ्लोरिडा की चौक पर जाकर धमाल मचाते हैं। और एक बार फिर से वीवो अपने ठुमकों से सभी का दिल जीत लेता है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और रोज ऐसी ही प्यारी प्यारी मूवी देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जी हाँ, सही सुना, मैं आपके लिए रोज एक प्यारी सी मूवी को लेकर आऊंगी, ताकि मेरा मेरे दोस्तों के साथ प्यार बना रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।